बढ़िया, ऑल द बेस्ट टू अली। और अली अली का बर्थडे, और अली प्ले कर रहा है, इट्स लाइक अ गुड डे फॉर हिम। बर्थडे एक दो दिन बाद है, बट वो उसका दिन है, सैटरडे नाइट डीजे का, अली का दिन है। डीजे स्नेक के गाने बजाएगा अभी अली। नहीं, मुनावर का भी बजाऊंगा आज। हाँ, तोड़ गाना ही बजेगा, आता मच रहा है, मजा आएगा। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, शुक्रिया। मैंने कहा ना, कुछ लोग गहरे दोस्त बन जाते हैं यार, ये वो गहरा दोस्त है, पहचानते दुनिया को, पढ़ने से गहरे, पहले से लॉकअप से पहले से लॉकअप से पहले से बनती है। हाँ, अब मेरे को याद नहीं है कुछ यार, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, बहुत जोर से बाथरूम जाना है। चलो चलो, थैंक यू सो मच, मैं निकल रहा हूं। नहीं, मैंने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया। कोई हिंट नहीं दिया मैंने, इट्स लाइक हो सकता है कुछ आए, बट अभी तो मुझे नहीं पता। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कुछ भी नहीं है, काम करते रहना बहुत सारा, और मैं पार्टी करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए न्यू ईयर कुछ है नहीं। तो मेरे लिए न्यू ईयर, मैं ऐसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिसंबर के लास्ट के 10 दिन काम ही कर रहा हूँ। तो फैंस या बट इट्स टू मच रियलिटी भी हो जाता तो अच्छा ही हुआ, नहीं गया, और अच्छा जा रहा है शो, देख रहा हूँ मैं स्टैंड को। 2023 में दिसंबर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अनाउंस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ। अभी शांति से इसलिए बैठा हूँ क्योंकि घर पे बहुत काम कर रहा हूँ, तो कुछ अनाउंस करूँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा यार, नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। बाकी देखते हैं, लॉकअप आए तो और मज़ा है। बिग बॉस में स्टैन मेरे को पसंद है, वो इंसान पसंद है, इसलिए आई नो स्टैन पसंद है, रोजिक पसंद है, और मज़ा आ रहा है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इतना, बट थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, तो उसमें मज़ा आ रहा है। स्टैन देखा, जय वीरू।